हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज के इस नए वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही अहम टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, तमाम के लिए। जी हां दोस्तों, जो बंदे यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल करने के शौकीन है और दोस्तों बिल्कुल फ्री म्यूजिक देने वाली कंपनियां भी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, और वही कंपनियां दोस्तों आजकल लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही हैं, आप लोगों का करियर तबाह कर रही हैं यूट्यूब का, और आप लोगों का पैसा जो भी आपने कमाया हुआ होता है यूट्यूब की वीडियो से वो अपने हक में कैसे कर लेती हैं दोस्तों। वो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। मेहनत आपकी होती है लेकिन पैसा कोई और ले जाता है। पैसा कौन ले जाता है? फ्री म्यूजिक की जो कंपनियां आजकल फ्री म्यूजिक यूट्यूब के ऊपर दे रही हैं वो पैसा आपका सारा ले जाती है। वो म्यूजिक असल में कहने को तो फ्री म्यूजिक होता है लेकिन वो असल में फ्री म्यूजिक नहीं होता, वो आपको बाद में चीट करते हैं। कैसे चीट करते हैं दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको फुल प्रैक्टिकल दिखाने भी वाला हूं और बताने भी वाला हूं, और इस चीज से कैसे बचा जाए वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को करते सब्सक्राइब ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि फ्री म्यूजिक वाली कंपनियां आपको धोखा कैसे देती हैं, कैसे आप लोगों के सारे पैसे जो है वो खुद खा जाती हैं और आप लोग फिर देखते रह जाते हैं। दोस्तों अक्सर आप YouTube के ऊपर किसी की वीडियो वॉच कर रहे होते हैं और उसके पीछे बहुत ही खूबसूरत जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो चल रहा होता है और आपके दिल में ख्वाहिश उठती है कि क्यों ना ये म्यूजिक मेरी वीडियो उसके पीछे भी चले, या मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके पीछे म्यूजिक जो है वो चल रहा हो और बहुत खूबसूरत उससे मेरी वीडियो जो है वो लगे ताकि लोगों के साथ लोगों के ज्यादा पास जाए और लोग उसको ज्यादा लाइक करें। ऑडियंस रिडक्शन के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों उससे होता क्या है? दोस्तों आप क्या करते हैं, आप जाते हैं YouTube के ऊपर, वहां पे लिखते हैं फ्री म्यूजिक, तो काफी सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाती है कि फ्री म्यूजिक आप YouTube से उठाकर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वो होता क्या है, असल में जब आप फ्री म्यूजिक वहां से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो के अंदर एडिट करके लगा देते हैं, लगाने के बाद दोस्तों अगर आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते चले जा रहे होते हैं, ग्रो करते करते दोस्तों एक ऐसा वक्त भी आता है कि आपका चैनल हो जाता है मोनेटाइज, और जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो दोस्तों जब उनको पता चलता है कि इसकी ज्यादातर वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं और एक वीडियो मतलब वो ऐसी लेंगे जिसके ऊपर ज्यादातर व्यू आए हुए होंगे ताकि उनको पता होगा कि इससे ज्यादा डॉलर्स या ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो वो उसको हिट करेंगे और हिट करके दोस्तों उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम बेच देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सारे का सारा पैसा जो भी आपकी वीडियो से आएगा वो उस बंदे के पास चला जाएगा। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? पहले वो कहेंगे कि हम ये म्यूजिक आपको फ्री देते हैं और आप इसको फ्री में डाउनलोड करें। आप जब डाउनलोड करके तो एक साल गुजर जाता है, 6 माह गुजर जाते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज होने के बाद व्यूज आ जाते हैं तो वो उस वीडियो के ऊपर हक दायर कर देते हैं कि ये हमारा है। लेकिन दोस्तों आपकी वॉइस, आपकी वीडियो, सारा कुछ दरे का दरा रह जाएगा। एक म्यूजिक जो है वो आपकी सारी वीडियो का पैसा जो है वो लेकर उड़ेगा। जैसा कि आपको मैं ये क्लिप दिखा रहा हूं दोस्तों, यहां पे दोस्तों ये देखिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखिए जरा ध्यान के साथ कि इसमें जब डिस्क्रिप्शन खोली है तो यहां पे साफ लिखा हुआ है कि ये वीडियो, ये म्यूजिक आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने एक साल पहले जो है वो यूज किया था, जब आहिस्ता आहिस्ता मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो अब इन लोगों ने धड़ाधड़ मेरी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर क्लेम जो है वो डालने शुरू कर दिए हैं, जो कि बहुत ही अब गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्लेम अब हटा रहा हूं मैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा मतलब को अच्छी बात तो नहीं है ये कि आप किसी की मेहनत को चोरी करें। अब असल में हुआ क्या है दोस्तों, ये म्यूजिक आज भी फ्री है लेकिन ये लोग चीट कर रहे हैं आप लोगों को। अब दोस्तों बात यह है कि अब यूट्यूब को भी कहा गया, सारा कुछ इंफॉर्मेशन उनको दी गई है, उसके बाद दोस्तों यूट्यूब हमारी हेल्प कर रहा है थोड़ी बहुत, वो क्लेम किसी तरह से, किसी ना किसी तरह से क्लेम जो है वो वीडियोस के ऊपर से हटाया जा रहा है। और म्यूट ओनली सॉन्ग के ऊपर क्लिक करें तो कई वीडियोस जो है वो तमाम का तमाम जो है वो वॉइस जो है वो लेकर उड़ रही है और कई तकरीबन सिर्फ म्यूजिक ही उड़ा रही है। लेकिन इससे बचने का तरीका दोस्तों ये है कि आप म्यूजिक कहां से यूज करें, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये दूसरा क्लिप देखें जरा। अब इस वीडियो में देखें, यहां पे मैं क्लिक करता हूं दोस्तों, ये देखिए जरा
ये सिर्फ म्यूजिक है, ठीक है, उसके बाद मेरे पीछे वॉइस भी है, मेरी वीडियोस भी है, सारा कुछ है, लेकिन इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर क्लेम आ गया है, क्लेम आ गया तो इस वीडियो का जो रेवेन्यू है वो किस बंदे के पास जाएगा, जिस बंदे ने म्यूजिक का क्लेम डाला है। अब मैं क्या करूंगा, इस म्यूजिक को जो है वो हटा दूंगा पीछे से, तब जाके ये क्लेम जो है वो हट सकेगा। तो दोस्तों इस चीज से बचने के लिए आपको एहतियातन, आप कहां से, आप कभी भी YouTube के ऊपर से एतबार करके किसी भी कंपनी से आप फ्री में म्यूजिक वहां से डाउनलोड करके अपनी वीडियोस के पीछे जो है वो कभी मत लगाएं। आप ऐसा किया करें दोस्तों, अगर आपको म्यूजिक यूज करनी है तो आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी जो है वो वहां वहां से करें। अदरवाइज दोस्तों आप ऐसा करें कि किसी भी कंपनी से आप एक दफा पैसे लगा के तो एक म्यूजिक जो है वो बाय करें, बाय करके अपनी उसका लाइसेंस जो है वो लें, लाइसेंस लेके उसको संभाल दें, उसके बाद दोस्तों वो म्यूजिक आप अपनी वीडियो के अंदर यूज करेंगे, तब जाके आपकी इन लोगों से जान छूटेगी जो आपको YouTube के ऊपर चीट करते हैं और आपकी सारी मेहनत जो है वो अपने पास रख लेते हैं और आप फिर देखते के देखते ही रह जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप जो अगर काम कर रहे हैं तो आप पक्का काम करें। ये काफी तरह की हैकिंग होती है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों के पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। इन इन लोगों की मेहनत क्या होती है दोस्तों, ये एक वीडियो डाल के करते क्या है कि दोस्तों आप लोगों की वीडियोस के जो ऊपर व्यूज आएंगे वो भी पैसे इनकी जेब में जाएंगे। जो जो बंदा यूज करेगा म्यूजिक, इनका एक जाल बिछाया हुआ होता है लोगों के लिए कि लोग आए हमारा म्यूजिक जो है डाउनलोड करें और हम एक साल के बाद इस म्यूजिक को पेड कर देंगे, उसके ऊपर चार्जेस लगा देंगे, इसको फ्री नहीं रहने देंगे। तो उनका ये एक जाल बिछाया हुआ होता है। किसी भी कंपनी पे आप एतबार करके उसका फ्री में म्यूजिक उठा के अपनी वीडियोस के पीछे कभी मत लगाइएगा, उसका लाइसेंस प्रॉपर तरीके से लें, उसके बाद आप कोई भी म्यूजिक अपनी जो यूट्यूब वीडियोस के पीछे आप लगाएं, वरना मोनेटाइज होने के बाद मैं आपको श्योर करता हूं कि दोस्तों आपके जो पैसे हैं वो ये जरूर खाने की कोशिश करेंगे, वो जरूर खाएंगे। तो उससे पहले बचने का तरीका दोस्तों यही है कि या आप ऑडियो लाइब्रेरी यूज करें, अदरवाइज आप लाइसेंस के साथ एक दफा बाय करके तो फिर आप म्यूजिक जो है वो यूज करें। दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों जो यूट्यूब है वो भी फिर बात नहीं सुनता, वो भी कहता है कि आप लोग इतनी ईमेल्स उनको की हैं लेकिन वो रिप्लाई नहीं देते, जवाब ही नहीं देते। दोस्तों उनको पता ही नहीं है कि हमने मतलब इसको इसका हल क्या करना है क्या नहीं करना। उनको बताया जाता है कि ये लोग फेक हैं, ये लोग पहले कहते थे, उनको प्रूफ दिया है मैंने कि ये लोग पहले कहते थे कि ये म्यूजिक फ्री है लेकिन अब वो पेड कर रहे हैं। तो यूट्यूब वालों ने ये क्या जवाब दिया खूबसूरत, उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा था कि ये फ्री है लेकिन अब उस पे पेड है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इससे पहले कि आप भी इस कंडीशन में आए, उससे पहले पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने कोई भी अपने YouTube वीडियोस के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना है तो या वो ऑडियो लाइब्रेरी या फिर उसका प्रॉपर लाइसेंस लेकर उसको बाय करें, बाय करके उसके बाद यूज करें। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरे ख्याल में आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।